Hello, good morning students. My name is Asif. I am accounts lecturer. I am explaining you. मैं आज आपको golden rules of accounts सिखा रहा हूँ. This is very important. ये बहुत important है. अगर ये golden rules अगर आप सीख लिए तो journal entries आपको आ जाएगी और journal entries से आप ledger में posting कर सकते हैं. तो यहाँ पर golden rules of account है. ये है पहला account आता है personal account. पर्सनल अकाउंट. हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, ये इट इज रिलेटेड टू पर्सन. ये पर्सन से जुड़े हुए होते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन से. देखिए यहां पर देखिए दो कैटेगरीज में इसको हम बांट रहे हैं. एक तो है पर्सन से, दैट मींस नेचुरल पर्सन. नेचुरल पर्सन का मतलब होता है कि हम सभी लोग जो है. यहां पर आता है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, लीगल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. उसको एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं हम. एग्जांपल के तौर यहाँ पे हो गया मिस्टर अशोक अकाउंट. अशोक अकाउंट. दूसरा एग्जांपल हो गया मिस्टर कपूर अकाउंट. मिस्टर कपूर अकाउंट. यहाँ पर हो गया बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया. नेशनल कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो गया. कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ठीक है. एनी कॉलेजेस, या आप कहें फिर स्कूल्स, कंपनी, व्हाटएवर एक्सेट्रा. इसके जो गोल्डन रूल है डेबिट्स एंड क्रेडिट्स का, जो रूल्स है वो यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ. डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स. डेबिट द रिसीवर. रिसीवर्स का मतलब होता है कि जो भी गुड्स परचेज कर रहा है तो वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है. और गीवर, क्रेडिट द गीवर. गीवर मीन्स इज अ सप्लायर. जो गुड्स को देता है, गुड्स को बेचता है, वो क्रेडिट द गीवर्स होता है. एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर हम लोग. फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर अशोक ने गुड्स परचेज किया मिस्टर कपूर से, तो एंट्री होगी. अगर मिस्टर गुड्स अशोक परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर कपूर अकाउंट. मिस्टर कपूर अकाउंट. अब यहाँ पर जो है मिस्टर कपूर इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स. मिस्टर कपूर जो है गिवर ऑफ द गुड, मतलब क्रेडिट में आ रहा है, ठीक है. एंड अगर मिस्टर कपूर सेल कर रहे हैं मिस्टर अशोक को, तो यहाँ पे एंट्री होगी मिस्टर अशोक अकाउंट डेबिट. मिस्टर अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. तो मिस्टर अशोक बेनिफिट को रिसीव कर रहे हैं. हियर अशोक इज़ द डेबिट. डेबिट द रिसीवर एंड मिस्टर कपूर क्रेडिट द गीवर. तो इससे हम पता चलता है ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है, ये पर्सनल अकाउंट से बिलोंग कर रहा है. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गीवर. परचेज इज़ एन एक्सपेंस, सेल इज़ एन इनकम. तो यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई हो रहा है कि मिस्टर अशोक जो है बेनिफिट्स को रिसीव कर रहा है और यहाँ पे ही इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स. तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है. तो ये जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सो दिस आर द जर्नल एंट्रीज. ये हमारी जर्नल एंट्रीज है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने शो किया है कि मिस्टर कपूर इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स, मिस्टर अशोक इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स. तो यहाँ पे अब दूसरा आ रहा है हमारा है रियल अकाउंट. रियल अकाउंट को हम प्रॉपर्टी अकाउंट भी बोलते हैं. इसको हम प्रॉपर्टी अकाउंट्स कहेंगे, प्रॉपर्टी अकाउंट्स, या एसेट्स अकाउंट्स कहेंगे हम इसको. एसेट्स अकाउंट कहेंगे हम इसको. मीन्स बिजनेस में जितने भी एसेट्स परचेज किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं वो इस कैटेगरीज में आएंगे. इसका गोल्डन रूल्स है यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे. तो इसको हम लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन. डेबिट व्हाट कम्स इन. व्हाट कम्स इन मतलब जितनी भी चीज़ें बिजनेस में आएगी उसको हम डेबिट में लिखेंगे. और क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ये हो गया. एग्जांपल्स देखते हैं कि इसका एग्जांपल्स है मशीनरी हो गया आपका, ये हमारा प्रॉपर्टी है, एसेट्स है. लैंड एंड बिल्डिंग हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग्स.
इसके बाद मोटर कार हो गया है, दिस आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैश हो गया हमारा, ठीक है, नॉन डेटर्स, नॉन डेट, सॉरी, तो दिस आर द एसेट्स। नाउ जर्नल एंट्री, लेट अस सी द जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देखते हैं हम लोग, जर्नल एंट्रीज देखिए, अगर बिजनेस मशीन को परचेज कर रही है तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर कैश में परचेज कर रही है तो मशीनरी, देखो मशीन कम्स इन द बिजनेस, मशीनरी आ रही है और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, पैसा जा रहा है, मशीनरी कम्स इन द बिजनेस, दोनों रियल अकाउंट से बिलोंग करते हैं, मशीनरी भी रियल अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश गोज आउट, ये एग्जांपल्स हो गया। सो दिस इज द एंट्रीज ऑफ रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है आपका, नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसिव्स एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। एक्सपेंसिव्स देखिए, ये एक्सपेंसिव्स होते हैं, खर्चे जितने भी होते हैं साल में, लॉसेस जो होते हैं, फिर इनकम होती है एंड गेन, ये चार कैटेगरीज इसके अंदर आती है। जितने भी बिजनेसमैन खर्चे करते हैं साल में इन एकेडमिक ईयर, वो खर्चे, एग्जांपल डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट रूल देखें। सो डेबिट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव्स है, जितने भी खर्चे होते हैं साल के अंदर वो खर्चे, और लॉसेस जो है वो लॉसेस की बात करें, और क्रेडिट में इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। एग्जांपल्स देखते हैं, सैलरी बिजनेसमैन के लिए खर्चा है, बिजनेसमैन के लिए एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, बिजनेसमैन के लिए बैड डेब्ट भी खर्चा है, लॉस है बैड डेब्ट बिजनेसमैन के लिए, एग्जांपल हो गए। इनकम्स एंड गेन की बात करेंगे तो रेंट रिसीव्ड हो गया, बिजनेसमैन को अगर रेंट मिल रहा है वो एक, और दूसरी बात आ रहा है कमीशन रिसीव्ड की बात आ रही है। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स, जर्नल एंट्रीज में देखते हैं हम लोग, अगर बिजनेसमैन सैलरी पे कर रहा है तो बिजनेसमैन के लिए सैलरी एक्सपेंसिव है, तो एंट्रीज होगी जर्नल एंट्री, इस तरह से जर्नल एंट्रीज देखिए आप, एग्जाम्पल जर्नल एंट्री देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट, आप डेबिट में लिखेंगे सैलरी को, क्योंकि कह रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसिव्स, तो सैलरी एक्सपेंसिव्स हो रहा है बिजनेसमैन के लिए, और पैसा जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, लाइक दिस। दूसरा एग्जांपल्स है, अगर मैं रेंट मिल रहा है तो पैसा मिल रहा है, तो व्हाट इट विल बी एंट्री, और कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट, तो यहां पर आया है, हमें पैसे मिल रहा है रेंट से मिल रहा है, तो देखिए रेंट हमारा जो है वो हमें पैसे मिल रहा है, तो कैश कम्स इन द बिजनेस इज अ रियल अकाउंट, एंड रेंट रिसीव इज अ नॉमिनल अकाउंट ऑन रेंट रिसीव्ड। सो दिस आर द एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू, दिस इज अबाउट द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। In the next video, we will see the classifications of accountancies. This is a golden rules. अगर आपको ये video पसंद आया है तो आप like करें, share करें and subscribe to my channel. Thank you so much.